इसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड में लिखने को आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट मार्क करें, सीधा लिखने को आएगा, बहुत बार आया हुआ है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर का मतलब लाइट किसकी बनी हुई है, फोटोन्स की। तो फोटोन या बेसिक पिक्चर या फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो जो लोग पढ़ के नहीं जाते वो तो क्या, ये क्या, ये कैसा क्वेश्चन है, फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब है लाइट, लाइट इज एन ई एम वेव, और लाइट रेडिएशन किसकी बनी हुई है, फोटोन्स की। तो ये फोटोन पिक्चर, फोटोन पिक्चर का मतलब पार्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक्सप्लेनेशन। तो पार्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सप्लेनेशन है, ये आपको लिखना है इस फोटोन पिक्चर में। पहला पॉइंट ये लिखना है, इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। तो फोटोन पिक्चर क्या कहती है कि रेडिएशन किससे बनी हुई है, पार्टिकल से, उन पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन। पॉइंट नंबर टू है, ईच फोटोन हैज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एंड मोमेंटम क्या है, एच बाई लैमडा, ये हम आज प्रूव भी करेंगे, एच बाई लैमडा, और स्पीड क्या है इसकी, सी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की नहीं है, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है। ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा हैव सेम एनर्जी। तो अगर आप चार रेडिएशन लेके आते हो, सबकी, सभी फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो एनर्जी भी हर फोटोन की सेम है, इतनी है। मोमेंटम भी हर फोटोन का फिर सेम है, यानी कि ये दोनों चीज़ें किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो सारे फोटोन की एनर्जी भी सेम है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन कहीं काउंट नहीं होते। फोटोन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का इनके ऊपर कोई लेना देना नहीं है। फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन में टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है। एक फोटोन जब एक इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है तो टोटल एनर्जी और मोमेंटम कोलिजन के लॉज लगते हैं, कोलिजन के पॉइंट्स लगते हैं, मोमेंटम एनर्जी कंजर्व लगती है। लेकिन हाउएवर नंबर ऑफ फोटोन में नॉट बी कंजर्व्ड इन अ कोलिजन। नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व का मतलब है आपने 100 फोटोन घेरे थे पर 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये जरूरी नहीं है। 100 फोटोन घेरने पर 2 ही इलेक्ट्रॉन निकले, ये ऐसा हो सकता है, बाकी फोटोन आपके खराब हो सकते हैं। तो फोटोन कंजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक। और न्यू फोटोन भी क्रिएट हो जाते हैं और कुछ फोटोन एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। नेक्स्ट है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, फोटोन की वेवलेंथ को बढ़ाता हूँ, देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ऑन अ गिवन एरिया। तो क्या करता हूँ, गिवन वेवलेंथ के लिए अगर इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं इन अ गिवन एरिया गिवन टाइम, बट एनर्जी रिमेन्स सेम, क्योंकि एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो कुछ रूल्स हैं फोटोन पिक्चर के, ये फोटोन पिक्चर के रूल्स हैं, अगर आएंगे तो आपने ये मैंशन कर देने हैं।